कृपया ध्यान दें कि ये वीडियो केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है, कृपया इसे सीरियसली न लें। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ इस घंटे को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियो के अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके। मूवी के पहले सीन में देख सकते हैं कि ये दोनों लोग मंदिर के बाहर पूजा कर रहे हैं। ये लोग तो मंदिर के अंदर भी जाकर पूजा कर सकते थे। इन लोगों को देखकर लग रहा है कि ये लोग रोज नदी में नहाने आते होंगे, लेकिन अगले ही सीन में ये ट्यूबवेल पर क्यों नहा रहे हैं? इनके पास ट्रैक्टर और ट्राली दोनों होती है, लेकिन ये बैलगाड़ी का यूज क्यों कर रहे हैं? इनके घर पर कोई भी बच्चा नहीं होता है, फिर भी इनके घर पर ये छोटी साइकिल्स क्यों रखी गई है? और ये दोनों साइकिल्स बिल्कुल नई लग रही है, जबकि खेसारी इस प्रकार की नॉर्मल साइकिल यूज करते हैं। अब इनके घर पर ये हल क्यों रखा गया है, जबकि इनके पास जुताई करने के लिए ट्रैक्टर होता है? ये सारे लोग खेसारी को क्यों देख रहे हैं? शायद इनको पता चल गया होगा कि शूटिंग हो रही है। देख लो यार, देख लो, शायद बाद में शूटिंग देखने को ही न मिले। अब आपको पूरी मूवी में इस पान की दुकान पर केवल यही तीनों लोग दिखेंगे और कोई आता ही नहीं है। अरे यार, ये दुकान वाला अपना खर्चा कैसे चलाता होगा? चंदा की सहेलियां इस दुकान के राइट साइड में खड़ी हैं, लेकिन चंदा के आने के बाद ये दोनों लेफ्ट साइड में कैसे आ गई? खेसारी के हाथों में कुछ किताबें दिख रही हैं, लेकिन अगले ही सीन में ये सारी किताबें गायब कहां हो गई? इस ट्रैक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा कीचड़ लगा हुआ है, लेकिन इस आदमी ऊपर कीचड़ के एक छींटे तक नहीं लगे हुए हैं। ऐसा क्यों यार? अब इस ट्रैक्टर से इस साइकिल को धक्का लगता है, फिर भी अगले सीन में देख सकते हैं कि ये साइकिल खड़ी है, जबकि इस साइकिल का अगला पहिया भी टेढ़ा हो गया था। फिर भी ये साइकिल कैसे खड़ी है यार? ये टीचर इन लोगों से पूछता है कि शोर कैसे हो रही है, जबकि ये टीचर देखता भी है कि ये लोग ड्रम बजा रहे हैं। सब्जियां तो इन लोगों के हाथ में ही है, तो ये लोग इस बर्तन में क्या पका रहे हैं? जब कैमरा पीछे से दिखाता है तो ये लोग घर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगले ही सीन में जब कैमरा सामने से आता है तो ये लोग घर के बाहर कैसे आ गए? और इसी सीन में देख सकते हैं कि ये चार लोग हैं, लेकिन अगले ही सीन में जब सोफे पे बैठते हैं तो केवल तीन ही लोग बैठते हैं। एक आदमी कहां गायब हो गया? अब ये औरत इस सामान को देखकर कचरा बोलती है। क्या इस औरत को ये भी नहीं पता कि इस झोले में कुछ सामान है? अब इधर से चार पांच लोग केवल इन्हीं तीनों का खाना खाते हुए क्यों देख रहे हैं? अब आप देख सकते हैं केवल इन तीन लोगों के प्लेट में ही खाना दिखाई दे रहा है, बाकी लोगों की प्लेटें तो खाली ही दिखाई दे रही हैं। अब इसकी कौन सी सैंडल है यार कि दो दिन में ही टूट जा रही है? खेसारी जैसे ही इस गुल्ली को मारकर उड़ते हैं, ये नीले टी शर्ट वाला आदमी खेसारी के पास आ जाता है, जबकि पिछले सीन में ये खेसारी के काफी दूर खड़ा था। अब ये दोनों लोग डंडे को लेने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन ये आदमी तो दीवार को जाकर पकड़ रहा है, जबकि डंडा तो साइड में रखा है। अब ये नीले टी शर्ट वाला आदमी सामने देख रहा है, लेकिन जब कैमरा जूम होता है तो ये साइड में देखने लगता है। बनवारी के पीछे सफेद टी शर्ट में एक आदमी खड़ा होता है, लेकिन कैमरा जूम होने पर ये आदमी अचानक गायब हो जाता है। इस काले शर्ट वाले आदमी के पीछे एक आदमी खड़ा होता है, लेकिन कैमरा जूम होने पर ये आदमी अचानक साइड में कैसे आ गया? इस डब्बे को देखकर लग रहा है कि ये डब्बा पूरा का पूरा खाली है, और ये जिस प्रकार से डब्बे को उठा रहा है ये देखकर लग रहा है कि ये डब्बा खाली ही है, लेकिन जैसे ही ये डब्बा फेंकता है अचानक इसको देखकर लग रहा है कि इसमें पानी भरा हुआ है। और इस डब्बे से चोट लगने पर चंदा इतनी ऊपर कैसे उड़ने लगती है? ये सब तो ठीक था, लेकिन अब ये क्या हो रहा है? अब ये लोग इतनी देर तक हवा में कैसे टिके हुए हैं यार? क्या इन लोगों को प्यार करने का केवल यही जगह मिला है? अरे यार, अब तो नीचे उतर जाओ। वाह यार, क्या लैंडिंग है। खेसारी के शर्ट में एक सफेद कलर की पट्टी बंधी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अगले ही सीन में देख सकते हैं कि ये अचानक पट्टी गायब कहां हो गई। खेसारी अपने पैर से केवल दो ही लोगों को मार रहे हैं, लेकिन अचानक इतने सारे लोग कैसे गिर रहे हैं? और इन लोगों के गिरने से पहले इनके लेफ्ट साइड में कोई भी डब्बा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगले ही सीन में ये सारे डब्बे कहां से आ गए, जबकि पिछले सीन में कोई भी डब्बे दिखाई नहीं दे रहे थे। खेसारी के पीछे केवल दो ही आदमी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन लोगों के गिरने के बाद अचानक चार लोग कहां से आ गए, जबकि पीछे तो केवल दो ही लोग खड़े थे। खेसारी इन दोनों आदमियों को नीचे की तरफ दबाते हैं, लेकिन ये अचानक हवा में कैसे उड़ने लगे? जब खेसारी चंदा को बुलाते हैं तो इनके पीछे देख सकते हैं दिन का टाइम है, लेकिन जब चंदा का सीन दिखाया जाता है तो अचानक रात कैसे हो जाती है, और फिर अगले ही सीन में देख सकते हैं तो फिर से दिन हो जाती है, और जस्ट सेकंड बाद ही फिर से रात हो जाती है, और इन लोगों के ऊपर तो लाइट जलाई गई है। खेसारी के घर पर पोस्टमैन आता है, लेकिन पोस्टमैन ने किसी को बुलाया भी नहीं, लेकिन इनके पिताजी बाहर कैसे आ गए? क्या इनको पहले ही पता चल गया था? यहाँ पर एक डांस चल रहा है जिसमें बनवारी ने पार्टी दिया है, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं? सोहन इस औरत को लेटर छुपाते हुए देख लेता है, फिर भी ऐसा क्यों पूछता है कि मेरा कोई लेटर आया है नहीं? खेसारी चंदा का वेट कर रहे हैं, लेकिन ये ऊपर क्यों देख रहे हैं, जबकि इनको सामने देखना चाहिए। अब चंदा ऊपर से तो आएगी नहीं। इस गाड़ी के आने से पहले ही ये लोग भीड़ लगाकर क्यों खड़े हैं? क्या इन लोगों को पहले ही पता चल गया था क्या कि कोई गाड़ी आने वाली है? अब खेसारी का पैर शीशे से टच करने के पहले ही ये शीशा क्यों टूट रहा है? और खेसारी तो शीशे को ही तोड़ रहे हैं, लेकिन ये दोनों दरवाजे बाहर की तरफ क्यों निकल रहे हैं? दरवाजे को तो किसी ने तोड़ा ही नहीं। अब खेसारी के जमीन पर पैर रखने से ये जमीन फट क्यों रही है यार? इस सीन में खेसारी सामने की तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं, और इनके पीछे केवल एक दो लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगले ही सीन में देख सकते हैं इतने सारे लोग कहां से आ गए। ये कैसे हो गया यार, वो भी इतनी जल्दी? अब इस सीढ़ी पर तो काफी सारे लोग चढ़ते उतरते होंगे, लेकिन केवल इस आदमी के गिरने से ही ये सीढ़ी चकनाचूर हो गई।
ये कैसे हो गया यार? इस डब्बे को देखकर लग रहा है कि ये डब्बा प्लास्टिक का है और ये साइड से दबा हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन अगले ही सीन में जब ये खेसारी को मारता है तो ये डब्बा शीशे की तरह टूटता है, जबकि ये डब्बा तो प्लास्टिक का था। ये आदमी खेसारी को एक डंडे से मारता है, लेकिन ये चोट देखकर लग रहा है कि किसी कुल्हाड़ी से मारा गया हो। खेसारी के चेहरे पर कोई भी खून का निशान दिखाई नहीं दे रहा है। जब ये जमीन पे गिर जाते हैं तो इतने ज्यादा खून के निशान कहाँ से आ गए? अब क्या शूटिंग करते टाइम भीड़ कम पड़ गई क्या कि इन लोगों को एक लाइन से खड़ा करवा दिया गया? उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और भोजपुरिया अंदाज में सब्सक्राइब करना तो ठोक दे।